ड्रग्स केस में आज लगातार दूसरे दिन अनन्या पांडे से पूछताछ। मुंबई के एनसीबी दफ्तर में चल रही है पूछताछ, सूत्रों के हवाले से जानकारी, ड्रग्स ब्रांडर भी मौजूद है। आर्यन से व्हाट्सएप चैट और ड्रग्स सप्लायर को लेकर के अनन्या से पूछताछ। गुरुवार को भी अनन्या पांडे से एनसीबी ने की थी 2 घंटे पूछताछ। सूत्रों के मुताबिक आर्यन खान के लिए अनन्या पांडे ने अरेंज किया ड्रग, व्हाट्सएप चैट से हुआ खुलासा। आर्यन और अनन्या के व्हाट्सएप चैट से खुलासा, सूत्रों के मुताबिक आर्यन ने पूछा क्या गांजा मिल सकता, अनन्या ने कहा अरेंज करा सकती है। बॉलीवुड नशेड़ी गैंग पर बड़ा खुलासा, डिजिटल डेटा से ड्रग्स मंडली होगी बेनकाब, मोबाइल फोन से मिले ड्रग्स मंडली के खिलाफ सबूत। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी ने 25 मोबाइल जब्त किए, 12 से ज्यादा मोबाइल की फॉरेंसिक डिटेल मिली है, ड्रग्स मंडली के खुले हैं राज। एनसीबी के रडार पर आर्यन, अनन्या और अरबाज के कई दोस्त, सूत्रों के मुताबिक ड्रग्स लेने और तस्करी के एंगल से भी जांच कर रही है एनसीबी। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी की लिस्ट में कई और स्टार किड्स हैं, एनसीबी सभी को जल्द भेज सकती है पूछताछ का समन। मुंबई ड्रग्स केस में एनसीबी ने एक और पेडलर को हिरासत में लिया, केस में माना जा रहा है मुख्य संदिग्ध। आर्यन खान और अनन्या पांडे को लेकर के ट्विटर वॉर, नशे के जहरीले कारोबार में हिंदू मुसलमान की साजिश, एनसीबी की जांच को धर्म से जोड़कर देखने की कोशिश। G20 में शामिल होने प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे इटली, 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक पीएम का इटली दौरा। राष्ट्र के नाम संबोधन में बोले पीएम मोदी, 100 करोड़ वैक्सीनेशन दुनिया को भारत का जवाब, भारत का वैक्सीन अभियान अतुलनीय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 100 करोड़ वैक्सीन डोज महज आंकड़ा नहीं बल्कि इतिहास के नए अध्याय की शुरुआत है। ताली थाली बजाने पर सवाल उठाने वालों पर पीएम का करारा प्रहार, कहा ताली और थाली बजाने से देश की एकजुटता दिखी। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से स्वदेशी चीजों को अपनाने की अपील की, कहा जिस उत्पाद में भारतीयों का पसीना बहा हो उसे जरूर खरीदें। आमिर खान के विज्ञापन पर विवाद, बीजेपी सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने कहा नमाज के दौरान सड़क ब्लॉक होने से भी लोगों को होती है दिक्कत। गुजरात कांग्रेस के 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने राहुल गांधी से की मुलाकात, 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन किया गया। चुनाव के बीच में अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी की मुलाकात, प्रियंका और अखिलेश फ्लाइट में दिखे साथ, दोनों नेताओं ने की बातचीत। कांग्रेस आलाकमान ने मानी हरीश रावत की बात, पंजाब प्रभारी के पद से किया मुक्त, राजस्थान के मंत्री हरीश चौधरी को बनाया गया था नया प्रभारी बनाया गया। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को धमकी भरा फोन, नवाब मलिक को फोन कॉल पर जान से मारने की धमकी दी गई है। महाराष्ट्र के गृह विभाग के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के खिलाफ रखा विभागीय जांच का प्रस्ताव, कमिश्नर रहने के दौरान लापरवाही का आरोप है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की कारस्तानी आई सामने, बैरिकेड पर लिखा मोदी सरकार रास्ता खोलो, आंदोलन जीवियों ने 10 महीने से बंद कर रखा रास्ता। नशीले पदार्थों पर लगाम लगाने में जुटे सीएम भूपेश बघेल, बोले हुक्का बार पर हो प्रतिबंध, दूसरे राज्यों से नशीली पदार्थ आने पर रोक लगेगी। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के 26 मददगार गिरफ्तार, स्पेशल एयरक्राफ्ट से आगरा की जेल में किया जा रहा है शिफ्ट। जम्मू कश्मीर में बंद 100 खूंखार कैदियों को देश की दूसरी जेलों में किया जाएगा शिफ्ट, चार्टर प्लेन के जरिए होगी इनकी शिफ्टिंग। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत का पाकिस्तान पर बड़ा हमला, कहा पाकिस्तान आतंकवाद को दे रहा है बढ़ावा, सीमा पार से आतंक को पाक का समर्थन। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंक के खिलाफ पिछले 12 दिनों से जारी सेना का महाऑपरेशन, घने जंगल की आड़ में छुपे हुए हैं आतंकी, पूरे जंगल को किया गया कॉर्डन। जम्मू कश्मीर में आतंकी फंडिंग मामले में एनआईए की कई जगहों पर छापेमारी, मारे गए आतंकियों के घर पर भी रेड। सूत्रों के मुताबिक बीते 8 महीने में घाटी में 97 स्थानीय लोग आतंकी संगठनों से जुड़े, इस साल अब तक मारे गए 131 आतंकी। अमेरिका के अलास्का में भारत और अमेरिकी सेना का युद्धाभ्यास, जाबाजों ने अपना शौर्य दिखाया। भारत और अमेरिकी सेना ने मिलकर के कई करतब दिखाए हैं, भारत और अमेरिका के बीच में सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण। बेंगलुरु में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया एरोनॉटिकल डेवलपमेंट फैकल्टी का दौरा, आधुनिक हथियारों और एयरक्राफ्ट के मॉडल को परखा। बेंगलुरु के एडी केंद्र में लगातार बनाए जा रहे हैं नए हथियार, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश। असम में चीन सीमा के पास सेना ने तैनात किया पिनाक और समर्च रॉकेट लॉन्चर, 44 सेकेंड में 72 रॉकेट दागने की क्षमता। पिनाक रॉकेट 100 किलोग्राम तक के वजन के हथियार उठाने में सक्षम है, 120 किलोमीटर तक मचा सकते हैं तबाही। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 15,786 नए केस सामने आए, 231 लोगों की मौत, 18,641 मरीजों ने रिकवरी की।
मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में खुले मल्टीप्लेक्स और थिएटर, कई लोग फिल्म देखने पहुंचे मल्टीप्लेक्स, कोरोना की वजह से बंद थे सभी सिनेमाघर। उत्तराखंड के चमोली में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रभावितों से की मुलाकात, हर संभव मदद का दिया भरोसा। मुंबई हाईकोर्ट ने जील को ईजीएम बुलाने की सलाह दी है, निवेशक इन्वेस्को की अर्जी पर कोर्ट ने ईजीएम बुलाने के लिए कहा है। लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी का ओबीसी सम्मेलन, सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधा, कहा एसपी सरकार में मठों और मंदिरों में होते थे आतंकी हमले, आतंकवादियों की उतारी जाती थी आरती। सीएम योगी ने कहा कांग्रेस सरकार में खतरे में थी देश की सुरक्षा, देश में था अराजकता का माहौल लेकिन सब साधे रहते थे चुप्पी। उत्तर प्रदेश में 68 लाख युवाओं को टैबलेट या स्मार्टफोन देने की तैयारी, पात्र छात्रों के लिए लॉन्च किया जाएगा पोर्टल, दिसंबर से मिल सकता है तोहफा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने साधा कांग्रेस पर निशाना, का चुनाव आने से पहले कर रही लुभावने वादे लेकिन इन पर कौन करेगा विश्वास। मायावती ने बीजेपी पर भी निशाना साधा, कहा अच्छे दिन का सपना दिखाकर लोगों को ठगा, लोगों को महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी के बोझ तले दबाया गया। यूपी में 23 अक्टूबर से 1 नवंबर तक कांग्रेस निकालेगी 3 प्रतिज्ञा यात्रा, वाराणसी से रायबरेली तक का पहला रूट निर्धारित। प्रयागराज में महंत नरेंद्र गिरी की मौत मामले में वसीयतनामा तैयार करवाने वाले वकील से सीबीआई ने की पूछताछ, सिलसिलेवार तरीके से कई सवाल पूछे गए। यूपी के आगरा में भूमाफियाओं के आतंक से परेशान महिला ने ली भू समाधि, दबंगों ने महिला के खेत पर किया कब्जा, प्रशासन पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। बिहार के पटना में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पटना साहिब गुरुद्वारे में माथा टेका, प्रसिद्ध महावीर मंदिर में की पूजा अर्चना। बिहार के विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार तेज, तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना, सीएम सड़क मार्ग से घूमकर देखे टूट जाएगी कमर की हड्डी। और पंच तत्व में विलीन हुआ सतना का शूरवीर, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कर्णवीर को दी अंतिम बधाई, परिवार के लिए 1 करोड़ की सम्मान राशि का किया ऐलान।